तो सलाम गुजारा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। आज मैं और डॉक्टर गजाला यास्मीन दो टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। पहला टॉपिक जो है वो वीना मलिक के बारे में है। वीना मलिक हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस है जो कि काफ़ी बोल्ड एक्ट्रेस है। और डॉक्टर गजाला, आप जानती हैं वीना मलिक को? आपने उसकी तस्वीर देखी है जो रिसेंट आई है मैगजीन में? जी मैंने शाजिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ जी, मैंने उसकी तस्वीर देखी है, वो जो इंडिया की मैगजीन में छपी है। हाँ जी, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? शाजिया, मेरा जो ख्याल है वो ये है कि हमारी जो पाकिस्तानी कौम है उसको चाहिए कि वो हर बात में इतने जज्बाती ना हुआ करें। अगर उसका उसकी ये है मर्जी है, उसने अगर वो अखबार में अपनी तस्वीर दी है, यही काम वो करती है, वो एक्ट्रेस है, उसको अटेंशन चाहिए होती है, उसको पैसे चाहिए होते हैं, उसने दे दिया। इसको कौमी इज्जत और गैरत का मसला नहीं बनाना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यह है कि हर सोसाइटी में हर किस्म के लोग होते हैं और सदियों से हर किस्म के लोग हैं। कुछ लोग, कोई प्रेसिडेंट होता है, कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, कोई डॉक्टर्स होते हैं, कोई टीचर्स होते हैं, और कोई एक्टर्स और एंटरटेनर्स होते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में एक्टर्स और एंटरटेनर्स का काम है कि वो एंटरटेन करते हैं, और ये हमेशा हिस्ट्री में हमेशा ये लोग एग्जिस्ट किए हैं। ठीक है, हमें अपने एक्टर्स को इज्जत देनी चाहिए। वीना मलिक हमारी जो है थोड़ी सी बोल्ड एक्ट्रेस है, और मैं मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्योंकि हम लोग यहाँ वेस्ट में रहते हैं, मैं हमेशा वेस्ट का हवाला इसलिए देती हूँ कि दिस इज़ वेयर आई लिव नाउ। तो उसमें आपने देखा है कि ब्रिटनी स्पीयर्स जो है उसकी तस्वीर उसने प्रेगनेंसी में इस तरह की एक उतरवाई थी। फिर इसी तरह जो अमेरिकन एक्ट्रेसेस की पिक्चर्स इस तरह की होती हैं, यहाँ भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये अपनी न्यूड पिक्चर क्यों इसने दी है, ये मोरालिटी के अगेंस्ट है। लेकिन कोई भी ये ऐलान नहीं करता कि अभी बंदा वाजबुल कत्ल हो गया है, अब इसको जान से मार दिया जाए, जो जो इस तरह के डिमांड्स हैं, अब इसको सजा दी जाए। बल्कि कोई आर्मी के ऑफिसर ने आके रेडियो पे कहा है कि अब वीना मलिक वापस आएगी तो हम इसको सजा देंगे। ये जो है ना, हर बंदा हर औरत का वहाँ पे मामा बना हुआ है ना, ये दैट इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। पहली बात ये कि जो मैं ये समझती हूँ, और ये आपको और मुझे यहीं आके बात समझ आई है कि एक एडल्ट औरत जो होती है उसका फैसले जो उसके बाप भाई और शौहर को भी नहीं करने चाहिए। औरतों को, अब जब आप औरतों के फैसले खुद करते हैं बल्कि किसी और डायरेक्शन में बात निकल जाएगी। बट वेरी इंटरेस्टिंगली आज मैं फेसबुक पे देख रही कि एक कॉल ना किसी बंदे ने कोई अपनी तरफ से लगाया हुआ है कि बड़ा अकलमंदी का कॉल, उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी मर्द की गैरत का अंदाज़ा आप उसकी औरत के कपड़ों से लगा सकते हैं। आपने, आपको हमारी जो रेगुलर पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, एक रेगुलर माइंड है, उसको समझ नहीं आएगी कि इस कॉल में कितनी बड़ी खराबी है। बजाय इसके कि आप अपना किरदार देखें, आप देखें कि आप क्या करते हैं, आप अपनी, आपकी इज्जत औरत के अंदर छुपी है, आप खुद जो मर्जी करते हैं इज्जत आपकी औरत के अंदर छुपी है। ठीक है, तो चलो अपनी माँ बहनों में तो इनकी इज्जत छुपी है, अब वीना मलिक चौथे मोहल्ले से ना आपकी रिश्तेदार है ना आपकी कुछ है, उसमें आपकी पूरी कौमी इज्जत को क्या हो गया? शाजिया, तुम्हारी बात मैं बिल्कुल तुम्हारी बात से एग्री करती हूँ। बात असल में ये मेंटालिटी क्या है कि वीना मलिक जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। नहीं, वीना मलिक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करती, वीना मलिक को रिप्रेजेंट करती है। पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, वो पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। वीना मलिक पाकिस्तान को नहीं रिप्रेजेंट करती। और एक्ट्रेसेस, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, सदियों से एक्ट्रेसेस, एंटरटेनर्स, इस्लामिक उसमें जो स्लेव औरतें थी वो सारी ये एंटरटेन करती थी। मुगलिया दौर में हर जिनके आप वो कहते हैं कि मतलब पुराने जमाने की जो भी बादशाह थे या खलीफा थे, जो खुलफाई राय थे, जो ये दौर में सबके कोर्ट्स में ये सारी म्यूजिक चलती थी, ये सब कुछ चलता था और ये सब कुछ होता था। अब ये जमाना मुख्तलिफ आ गया है। अब ये होता है कि अब यूट्यूब्स आ गई हैं, जैसे अब हम यूट्यूब पे कर रहे हैं, अब ये रिसाले आ गए हैं, अब उनमें ये तस्वीरें छपती हैं। उसको वीना मलिक को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। और ये कौन सा मामा तुम कह रही हो कि आर्मी के मामे ने कहा है कि आर्मी के मामे नहीं, मैंने सारे पाकिस्तानी पॉपुलेशन के मर्दों को मामा जी कह रही हूँ। वो आपको पंजाब, क्योंकि कोई मामा जी की इज्जत चली गई ना ये पाकिस्तान में, वो पंजाबी नहीं, 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 उनकी
उनकी इज्जत बिल्कुल नहीं गई, उनकी इज्जत तुम्हारे वाली बात बिल्कुल ठीक है, उनकी इज्जत वो जो काम कर रहे हैं ना उसमें है एब्सोल्युटली। और मजे की बात, इससे पहले मैं ये कि भूल जाऊं कि जो वीना मलिक है वो मैं समझती हूँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन पाकिस्तानी एक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, पाकिस्तानी एंटरटेनर्स को रिप्रेजेंट करती है, हर मुल्क और हर, अब यहाँ पे ब्रिटनी स्पीयर्स ने अगर न्यूड पिक्चर्स उतरवाई हैं तो प्रेजिडेंट ओबामा ने तो नहीं उतरवाई। हर सोसाइटी में हर बंदे का अपना मुकाम होता है। लेकिन इससे पहले इससे भी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ कि मुनाफ़त जो हमारी सोसाइटी की है, आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा जो पोर्न की सर्च होती है वो पाकिस्तान में होती है, ये पिछले दफा स्टैटिस्टिक्स निकाले थे, तो पाकिस्तानी सबसे ज्यादा पोर्न वॉच करते हैं, ठीक है, सेक्सुअली ओप्रेस्ड सोसाइटी है कोई बात नहीं, लेकिन द थिंग इज के एक तरफ तो आप कमरे में बैठ के पोर्न सर्च कर रहे हैं, बाहर निकल के आप डिमांड करते हैं कि वीना मलिक को जान से मार दिया जाए, समझ रही बात के अगर आप क्या, अगर आप पैसे देके वीना मलिक ने ये क्यों किया, उसको पैसे मिले, उसको शोहरत मिली है, ठीक है, उसको मतलब अगर आप एक औरत को रख के इसमें गए कि एक औरत एक मर्द को पैसे देती है, कहती है कि तुम अब कपड़े उतार के तस्वीर उतरवा लो और उसके बाद औरत अच्छी बन जाए और मर्द को बुरा कहना शुरू कर दिया जाए, यही हमारी सोसाइटी औरतों के साथ करती है कि हम औरतों को ये जो तवाइफों को बुरा भला कहते हैं, ठीक है, वही जो तवाइफों के पास जाने वाले हैं वो उनको बुरा भला कहते हैं। तो आप अच्छे कैसे बन गए अगर आपने पैसे दे के एक बंदे से काम करवाया है आपने, तो आप फिर उससे भी ज़्यादा बुरे हुए ना कि आपने उसको फोर्स किया है। ये छोटी सी बात के मुनाफ़त की ये इंतहा है अमेरिका में। फिर इस तरह तो नहीं ना कि जो ब्रिटनी स्पीयर्स की तस्वीर खींचने वाले हैं वो अच्छे बन गए सारे, और जो तस्वीर देखने वाले हैं जिन्होंने रिसाला खरीदा वो सारे अच्छे बन गए, और जो ब्रिटनी स्पीयर है वो बुरी बन गए, फिर इस तरह नहीं ना होता। नहीं नहीं, वो तुम सही कह रही हो, बात असल में ये है कि वही वाली बात आ जाती है कि गैरत, इनकी सारी गैरत और सारी इज्जत जो है वो औरत के कपड़ों पर आ जाती है, ये इज्जत और गैरत का, और खुद जो मर्जी, मैं सिर्फ मर्दों की बात नहीं कह रही, ये मैं पूरी सोसाइटी, ये जो हम लोग सिर्फ मर्दों को बुरा नहीं कह सकते, ये पूरी सोसाइटी ही इस तरह की है कि मुनाफ़त जो है हमारी औरतें भी, ये सारी सोसाइटी की ही बात होती है ना, कि वो भी इनकरेज इस बात को करती है। वीना मलिक के पीछे वो सारे पड़े हुए हैं, चलो वो बिल्कुल ठीक है, तुम पीछे पड़ जाओ, तुम उनके खिलाफ बोलो, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ। सिर्फ मुंह से तुम बात करो और खत्म कर दो। हाँ। बात आपको न्यूड पिक्चर्स नहीं पसंद, आपको कोई नहीं कहता आप अपनी न्यूड पिक्चर लेके तो पोस्ट करें, आप उसको बुरा भी कहें, लेकिन ये कहना कि अब वो मुल्क वापस नहीं आ सकती, अब उसको सजा दी जाए, अब उसको जान से मार दिया जाए, और मार भी देते हैं, आपको पता है कि इन बेचारे एक्टर्स की जान खतरे में पड़ जाती है, तो ये जो है ना, ये मारने की बात खत्म हो जाती है। मुझे वो मुझे याद है कि वीना मलिक ही थी कि जिसने बहुत इंटरेस्टिंग बात की थी, एक दफा एक मौलवी के साथ बहस कर रही थी, तो उसने ये कहा था कि जो बच्चों को अब्यूज कर रहे हैं मस्जिदों में, मस्जिदों के अलावा भी जो गलियों में बच्चे अब्यूज हो रहे हैं, असल में शर्मिंदा, मेरा जो सर झुकता है ना शर्मिंदगी के साथ, शाजिया, जब मैं, मुझे शर्मिंदगी होती है ना कि मैं कहती हूँ कि ये हमारी कौम को क्या हो गया, उस वक्त जब वो बच्चे लड़के लड़कों के साथ, छोटे बच्चियों लड़कियों के साथ जो बदतमीजी करते हैं और जो उनके साथ, उस पे मेरा सर झुक जाता है कि पूरी कौम कुछ भी नहीं कहती उस वक्त, उस पे किसी को गैरत उस वक्त उठनी चाहिए और जागनी चाहिए। इसकी जान लेने का मुतालबा कर रहे हैं गैरत के नाम पे, इनकी अपनी गैरत बचपन में इन बच्चों के साथ ज्यादतियां हुई है। पाकिस्तान में तो बहुत कॉमन है, ये भी रिपोर्ट्स आ रही है, सारी जगहों पे कॉमन है, लेकिन ये कि बोलना चाहिए ना इसके खिलाफ। अब इन मुल्कों में भी ये बातें इतनी खैर ओहायो पे नहीं होती, लाज बहुत सख्त है, बात असल में यह है, लेकिन एक बात अगर पता चल जाए ना यहाँ लोगों को कि हाँ भाई इस बच्चे के साथ ये हुआ है, सारे बहुत गुस्से में आ जाते हैं, वो कहते हैं इसको सजा देनी चाहिए। हमारे यहाँ वो आंखें नजर बिल्कुल दूसरी तरफ कर लेते हैं, कहते हैं कि ये तो सोसाइटी में बच्चों को नहीं बचाते। हाँ, कल भी एक रिपोर्ट आई कि जो सड़क पे गरीब बच्चे किस तरह से अब्यूज होते हैं, कितनी अजीब बात है कि बच्चों को सोसाइटी प्रोटेक्ट नहीं करती, जवान औरत एडल्ट औरत के पीछे पड़ जाती है हाथ धो के। हाँ, इसने कहा मेडिकल स्टोर में मैं गई हूँ, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छे मतलब जो लोग बैठे हुए थे, तो एकदम एक नजर दीवार पे पड़ी, तो उस पर लिखा हुआ था कि जो औरतें फहश कपड़े पहनती हैं उनको ये सजा होनी चाहिए, उनकी वो सजा। तो मैं ये सोच रही थी कि ये दवाइयां बेच रहे हैं कि ये औरतों के मोरालिटी बेच रहे हैं, और औरतों के पीछे तुम क्यों पड़ गए हो, औरतों की वजह से मर्द का नाम नहीं। हाँ, किसी मर्द पे बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, इस बाजार में औरतों का आना मना है, इस बाजार में कहीं आप वही बात नहीं कि हमारे मर्द अपने गिरेबान में झांकना गवारा नहीं करते,
इनकी सारी इज्जत, ना सिर्फ अपनी औरतों में, अब हमारे अदाकारों में इनकी इज्जत आ गई है कि अब अदाकारा जो करेगी वो भी उसके भी पीछे पड़ जाएंगे। तो इट्स जस्ट सैड। लेकिन इससे ये फर्क ये होता है ना कि सोसाइटी में इंतशार पैदा होता है जब आप एक सोसाइटी ऐसी नहीं बनाते कि जिसमें आप इंडिविजुअल फ्रीडम देते हैं कि भाई जब तक, या अमेरिका में ये है और पूरी वेस्ट में ये है और इंडिया में बल्कि ये है, हर सिविल सिविलाइज्ड सोसाइटी में भी ये है कि एक एडल्ट अपनी मर्जी से जो भी काम करना चाहता है एज लॉन्ग एज वो किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा वो कर सकता है। कोई एक्टिंग करना चाहे, कोई अपनी न्यूड पिक्चर्स बेचना चाहे, कोई जो मर्जी करे। आई मीन नोबडी किल्स देम, यू कैन नॉट किल अदर पर्सन के भी आपको उसकी मोरालिटी पसंद नहीं आई या आप उसको सजा इसकी बेस पे नहीं दे सकते। रिलीजियस मामला नहीं बनाना चाहिए हर बात पे। रिलीजन, पाकिस्तान, हम लोगों ने पाकिस्तान और रिलीजन को इतना हवा बना दिया है कि हर बात में हम वो कहते हैं कि वो खत्म हो जाता है हमारी सारी जो बात है, गैरत, इज्जत, हर चीज, वो बस नेशनलिज्म बहुत ज्यादा इस किस्म की बातों पर। और पता है सोसाइटी ऐसी बनाई है कि हमारे जो यूथ है ज्यादातर, हमारे जो खास उर्दू मीडियम बच्चे मैंने देखे, उनको बिल्कुल समझ नहीं आती ये बात। हमारी बात सुनिए बोलेंगे कि ओ माय क्या क्या कह सर ऐसी बात, और फिर जवाब में, और मोर इंटरेस्टिंग बात ये कि जवाब में माँ बहन की गालियां लिखेंगे, मुझे भी माँ बहन की गालियां देंगे, आपको भी माँ बहन की गालियां देंगे, और फिर ये बेहतर है वीना मलिक से। मतलब ये ना हम लोगों को, ये जो हमारे बच्चे हैं ना, वो मैं बच्चों को कसूरवार नहीं ठहराती, मैं उनको सोसाइटी को कसूरवार ठहराती हूँ जो कि उनके दिमागों में ऐसी बात बड़ा ऐसे किया इनकी एडल्ट्स हैं। एक अच्छा भला वक्त, ये तो उर्दू मीडिया में तो हर वक्त ऐसी बातें, हर वक्त ऐसी बातें की जाती हैं, वो उसने ये कर दिया, उसने वो गैरत हो गई, वो इस्लाम के खिलाफ हो गया, वो एक पता नहीं मुझे अच्छी तरह उस्ताद का शेर है कि वो इतना वो इस्लाम के उनको है कि इस्लाम खतरे में है कि वो काफिर को मुसलमान नहीं होने देते, और हर बात पे इनका इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। रिपोर्टर है किसी न्यूज पेपर का ना, उर्दू न्यूज पेपर का रिपोर्टर है, उसने क्या लिखा है वीना मलिक के बारे में कि वीना मलिक तो ऐसी औरत है इसको जो भी पैसे दे के जो मर्जी इसको ले जाए। अल्लाह के बंदे, इस तरह की बात कहना, चाहे अगर वो एक्ट्रेस है चाहे उसने तस्वीर, आप किसी के, इनको ये छोटी सी बात समझ नहीं आती कि आप किसी के बारे में वही बात कह सकते हैं जो आपको पक्का पता हो, ठीक है। इस तरह किसी पर इल्जाम लगाना, तो आपको क्या पता? हो सकता है कि वो सिर्फ एक्ट्रेस, सिर्फ तस्वीरें इस तरह की तोड़ाती हो सकता है कि वो कॉल गर्ड ना हो, लेकिन मजे की बात है कि सिर्फ एक्ट्रेस पे बस नहीं करते। आपने देखा होगा गलियों में, मोहल्लों में, हर कोई दूसरे की माँ बहन को यही कह रहा होता है। तो मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने इस बंदे को कहा भी, मैंने कहा आपको पता है कि आपकी माँ या बहन के बारे में लोग क्या कहते होंगे, आप जाके मोहल्ले में पता करें, क्योंकि ना दिस इज ट्रू कि जो मतलब आपने देखा होगा कि इल्ज़ाम लगाना एक वहाँ पे हमारे दस्तूर है कि किसी की माँ बहन को गाली देना, सड़क पे जाना, इसलिए तो बाप भाई हमेशा साथ जाते हैं कि जैसे अकेले निकलेंगे कोई बात कह देगा। बड़े शहरों में तो अल्लाह का शुक्र वही बात है कि मॉडर्न लोग हैं तो नहीं इस तरह की बातें होती, लेकिन छोटे शहरों में आपने देखा है कि बाहर निकलते हैं तो माँ बाप और भाई को साथ जाना पड़ता है, क्योंकि गरीब मोहल्ले का, जो बाहर औरतें निकलती हैं वो कहते हैं कि हाँ भाई दिस इज निकली इसलिए कि अभी इनको हम बातें लगाएं, इजी है ये, इसलिए निकली हैं वो, ये वो छेड़ते हैं वो, ये और यही इनके अपनी माँ बहन के साथ होता है। मेरा पॉइंट ये है कि आप अपनी अम्मी से पूछें, आप अपनी बहन के साथ यही होता है, तो किसी ने क्या, उनको भी लोग यही कहते हैं। वीना को तो चलो पिक्चर्स में आई है तो आपने ऐसी बात की है, और ये वीना इसमें बुरी नहीं लगती, इसमें आप भी बुरे लगते हैं कि भाई आपको चाहे उस और चाहे उस लड़की ने जैसी भी तस्वीर उतरवाई है, जब आप ये बात कहते हैं ना तो लोग आपको भी जज करते हैं कि आप किस किस्म के आदमी हैं। वो गालियां देना भी बंद करनी चाहिए लोगों को। देखे ना गालियां जो देता है उसकी अपनी जबान गंदी होती है उसकी, वो मैं जो गालियां देता है ना, मैं तो ये समझती हूँ वो, मैं तो उस आदमी को जज करती हूँ कि वो कितना खराब आदमी है। मुझे तो यही बंदा बुरा लगा ना कि भाई आपके आपको आपको आपकी अम्मी ने किस तरह से बड़ा किया, या आपके यही होता है ना कि भाई आपको अम्मियों ने क्या बड़ा किया, सोसाइटी पूरी ने ऐसे बड़ा किया है कि आपको ये समझ नहीं आती कि आप इस तरह की बात एक औरत के बारे में कहेंगे तो जो बाकी औरतें देख रही हैं, जो हम आपको जज करेंगे कि भाई आपने किस किस्म की फजूल बात की है। एक बंदा जो एक औरत के बारे में ऐसी बात नहीं करता और एक जो करता है, किस बंदे को ऐसा समझ जाएगा? जो औरत की रिस्पेक्ट करता है उसको समझ जाएगा। अच्छा पता है, एक और रिस्पेक्ट का ये कॉन्सेप्ट है कि समझते हैं कि अगर एक औरत गली में अकेली गई है, या आई मीन इतनी छोटी सी बात की गली में अगर अकेली गई है और ये रिसाले के कवर पे आना तो बहुत बड़ी बात है, ये समझते हैं कि उसको गाली दे देंगे तो ये इनका हक है कि वो निकली क्यों, उसको गाली दे दें, ठीक है। इनको ये थोड़ी सी बात समझ में नहीं आती कि ये गाली देता है ना, ये वो अपनी बताता है कि मैं, मेरी माँ ने मुझे किस तरह बड़ा किया है, कि माँ आप अपना फैमिली बैकग्राउंड बताते हैं, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर।